भाई कम रेंज की गाड़ियां दिखाएं, कम रेंज की गाड़ियां दिखाएं, तो देख लें भाई। सर ये 1984 है, ये तो पैसों में मुनासिब हो जाएगी काफी। सर ये अगर कोई अच्छा व्यूअर आएगा, कोई सर मशहूर है जमाना गाड़ी, मोस्ट जो है वो रिलायबल गाड़ी भी है, बहुत सारे लोग अभी भी जो है ये रखते हैं। काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट, आपने समझ लिया अपने घर के लिए जो है वो बनाया हुआ है। मतलब इतनी चीजें कि आप व्यूअर्स को गिनवाने बैठेंगे तो शायद वो और गाड़ियाँ रह जाएंगी, यही बनेगी सिर्फ। सर ये 2018 मॉडल है, व्हाइट कलर में आपने एक और जो है वो यहाँ पर डॉल्फिन रखी हुई है, फेरियो, जो जैपनीज वर्जन आता था जी। ये 96 का मॉडल है, पूरी गाड़ी जो कहते हैं मॉडिफाई करी हुई है। तो तला भाई सबसे पहली गाड़ी कौन सी जो है वो विजिट करा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहली गाड़ी डॉल्फिन करा देते हैं विजिट। सर इसके बारे में डिटेल दें सर, क्या मॉडल है, गाड़ी कैसी है? सर ये 96 का मॉडल है और पूरी गाड़ी जो कहते हैं मॉडिफाई करी हुई है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह से हर चीज से क्लियर है। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीपीएससी वगैरह टैक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें गाड़ी की क्लियर है। और मॉडिफिकेशन में आपने इसके अंदर क्या-क्या चीजें जो है वो लगाई हैं? प्रोफाइल टायर रिम और ये स्कर्ट वगैरह डाले हुए हैं, बाकी मफलर वगैरह और नॉर्मल जो होती है मॉडिफाइड। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं भाई गाड़ी, आप लोगों ने फ्रंट लुक देख लिया है गाड़ी के, बैक साइड पे आ गए। गाड़ी के कलर की अगर बात करें तो गाड़ी का कलर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह नहीं है गाड़ी के ऊपर। बाकी जो चीज़ें इन्होंने बताई, एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने काफ़ी सारी इस गाड़ी के अंदर जो है वो लगाई हुई हैं। अच्छा साधन भाई, अगर कोई फैमिली वाला बंदा लेता है, ले चलाए फैमिली वाला भी रख सकता है या सिर्फ वो मॉडिफिकेशन वाले लड़के? फैमिली वाला बंदा भी रख सकते हैं मेरे भाई, 10-11 का एवरेज ये मफलर के साथ भी दे रही है मुझे। अच्छा, यानी कि आपने HKS का मफलर डाला हुआ है इसके अंदर, इसके साथ भी आपको 10-11 का एवरेज दे रही है। ठीक है सर, इसके इंटीरियर की बात करें तो साथ साथ इंटीरियर भी विजिट करवाते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की डिग्गी हम लोग जो है वो अंदर से चेक कर लेते हैं कि डिग्गी अंदर से किस कंडीशन के अंदर है। यहाँ से आप लोगों को ये भी एक नज़र जो है वो दिखा देते हैं, तो ये आप चेक कर लें। अभी तो खैर इनका काफ़ी सामान वामान इनका यहाँ पर जो है फैला हुआ है, तो इतना ज़्यादा मैं आपको दिखाता नहीं हूँ। ऊपर वाली साइड है, आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें। ठीक है जी, दोनों कॉर्नर्स वगैरह यहाँ से भी देखें गाड़ी को, ये वाली साइड भी देखें। इनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है ज़्यादातर, तो यहाँ मिट्टी विट्टी ये सारी चीज़ें होती है। इंशाल्लाह आपको कल साफ सुथरी पूरी एक और वीडियो भी इसकी मिल जाएगी। तो यानी कि अगर कोई व्यूअर हमारा जो है वो तस्वीरें मांगे तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर मिल जाएंगी उसको, ये भी क्लियर मिल जाएगी। तो यहाँ से इंटर हो जाते हैं भाई, गाड़ी के दरवाजे वगैरह भी आप लोगों को दिखा देते हैं, तो ये आप लोग चेक कर लें। अच्छा इंटीरियर इन्होंने जो है वो मैचिंग में बनाया, यानी कि आप दरवाजे भी देखें और इसके अलावा सीट्स देखेंगे तो ये सारा इन्होंने जो है मैचिंग का काम करवाया हुआ है। नीचे मैट वगैरह सीटें वगैरह इसकी जो है वो देख लें, यहाँ से आप लोग दरवाजों के नीचे के कॉर्नर देख लें। बाकी इसी तरीके से फुटपैरियाँ वगैरह ये इन्होंने ओवर फेंडर जो है वो गाड़ी करवाई हुई है। फ्रंट साइड पे चलते हैं और फ्रंट साइड का भी डोर आप लोगों को दिखा देते हैं भाई, तो ये आप लोग चेक कर लो किनारियाँ वगैरह गाड़ी की सारी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैचिंग में इन्होंने जो है ये पूरा बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये चीज़ें भी आप लोगों को गाड़ी की क्लियर नज़र आ रही होंगी। फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ गाड़ी के मीटर वगैरह की, तो नॉट आउट मीटर वगैरह भी आप लोग यहाँ नज़दीक से देखें तो क्लियर आपको जो है वो दिख रहा होगा। पॉलिशिंग वगैरह हुई हुई है गाड़ी के अंदर, गाड़ी नॉट आउट अंदर से जो है वो साफ सुथरी है। इंजन रूम की तरफ चलते हैं, गाड़ी इंजन रूम देखते हैं। इंजन रूम की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप लोगों को एक नज़र यहाँ से मैं दिखाऊं, गाड़ी की फ्रंट पट्टी वगैरह एक नज़र देख लें। इसके अलावा हम बात करें गाड़ी के साइडों की, कुप्पों की, तो ये भी आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ। ड्राइव बैटरी गाड़ी में मौजूद है और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख लें। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कम्प्लीटली, गाड़ी आप लोग को जो है वो विजिट करवा दी बॉडी वाइज। तला भाई अगर हम इस गाड़ी के हवाले से अगर बात करें तो सर क्या जायज़ मुनासिब देने वाली डिमांड रखी है आपने इस गाड़ी की? सर जायज़ लेने वाली डिमांड इसकी बिल्कुल यही है कि हम आखिरी दे देंगे 7.5 में, जिसमें एसी वगैरह का छोटा मोटा काम है जो करवाना है वो मैं करवा के दूंगा। ठीक है, 7.5 लाख रुपए क्यों, वजह मुझे बताएं पहले तो, क्योंकि लोग बहुत सारे बोलेंगे भाई ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सर इसकी वजह बताएं सर। एक तो ये गाड़ी मॉडिफाइड है, दूसरी अपने कैलिबर में है। ठीक है, अंदर से गाड़ी आप कहीं भी डिग्गी दिखाएं, झड़पे दिखाएं, इंजन रूम दिखाएं, गाड़ी अपनी ओरिजिनल सीलों के ऊपर है। ठीक है, और बाहर से इसके ऊपर अच्छा खासा आपको नजर आ रहा होगा कि काम वगैरह किया हुआ है। जैसा कि शुरू में आपके भाई ने बताया इसके अंदर जो जो चीजें लगी थी वो सारी चीजें बता दी हैं। चलिए जी, खैर 7.5 लाख रुपए बोल रहे हैं, एसी वेसी ऑन ईच एंड एवरीथिंग गाड़ी की, टैक्स भी है गाड़ी पे। ठीक है, वो अगर देखें डील के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर हमारे लोग हैं वो बोलेंगे टैक्स हम बाद में भरते हैं, ठीक है, तो उस पर हम रिलीफ दे देंगे, और रिलीफ दे देंगे, और रिलीफ मिल जाएगी। और अगर जैसे कोई एसी ऑन किए बगैर पहले आ गया बोले यार मैं अपने बंदे से कराऊंगा तो रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये काम बात के ऊपर ना करवाए तो फिर वो हाँ, यानी कि अभी एसी ऑन नहीं है गाड़ी, एसी ऑन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं सर। माशाल्लाह से ये तो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट, आपने समझ लिया अपने घर के लिए जो है वो बनाया हुआ है, तो इसका क्या सीन है? सर इसके अंदर इंजन सेम वही डॉल्फिन वाला इंस्टॉल हुआ हुआ है, D15। ठीक है, बाकी रिम्स वगैरह स्पोर्ट्स पे इसके डले हुए, लो प्रोफाइल टायर डले हुए, प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, मतलब इतनी चीज़ें कि आप
व्यूअर्स को गिनवाने बैठेंगे तो शायद वो और गाड़ियां रह जाएंगी, यही बनेगी सिर्फ। तो चलिए दोस्तों इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देते हैं, तो साइड बाय साइड आप लोग देख लो। वैसे बेसिकली इन्होंने अपने घर के लिए गाड़ी जो है वो तैयार करी है, तो फोर सेल वाला सीन नहीं था, लेकिन मैंने बोला चलो यार जब आपने इतना खर्चा कर ही लिया है गाड़ी पे तो गाड़ी हम लगा देते हैं। अगर कोई अच्छा व्यूअर आएगा, कोई जैसे होते ना जो शौकीन होते हैं पुरानी गाड़ियां बना रहे होते हैं, अगर वो कोई आएगा तो इंशाल्लाह ताला जब आप भाई से बातचीत करेंगे तो ये आपको अच्छी ऑफर में दे देंगे गाड़ी, ऐसे ही है। बेशक बेशक। चलें तला भाई, खैर हम इसकी ऑफर की बात नहीं करते, गाड़ी बहुत शानदार है, इन्होंने हर चीज़ पर खर्चा वर्चा किया हुआ है, गाड़ी अंदर से भी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो ये गाड़ी लेने में तो कॉन्टैक्ट करें, मजीद पिक्चर्स डिटेल्स सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देंगे। दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले एक नज़र मैं आप लोगों को इसका ज़रा सा एक अंदर का लुक दे देता हूँ ताकि अंदर से भी पता चल जाए भाई गाड़ी का लुक कैसा है। तो ये आप लोग भाई चेक कर लो, कुछ इस तरीके से अंदर से भी इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी रखी हुई है। तो ये वाला जो है वो सीन है भाई, फ्रंट की सीट्स सर ये एडजस्टेबल है, आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ये जैपनीज एलियन की सीटें डाली हुई है। अच्छा, ये जैपनीज वाली गाड़ी की डाली हुई है, एडजस्टेबल है और बिल्कुल कम्फर्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सर ये व्हाइट कलर में, आपने एक और जो है वो यहाँ पर डॉल्फिन रखी हुई है, फेरियो सॉरी जो जैपनीज वर्जन आता था जी, तो इसके बारे में बताएं सर क्या मॉडल है, क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? सर ये 92 मॉडल है, ठीक है, इंजन वही सेम है, इसके अंदर भी D15 ही है, ठीक है, बाकी आप बाहर से शावर है, अंदर से गाड़ी ओरिजिनल पर है। तो ये आप लोग चेक कर लें भाई, जो लोग बोलते हैं भाई फेरियो चाहिए हमें, यानी कि जिसके अंदर बोलते हैं सनरूफ वाली जो है वो सिविक चाहिए पुराना मॉडल हो, तो ये गाड़ी आप लोग जो है वो देखें। इस गाड़ी का एक पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं साथ साथ कि गाड़ी इंजन सस्पेंशन बॉडी कोई ऐसा काम हो जो बंदा अगर कोई खरीदे सर, ये अभी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ना प्रोजेक्ट है, जैसे ब्लैक वाली थी ना हमारी, आपने दिखाई होगी अपने व्यूअर्स को, ये हमारा एक तरह से अभी हमने उठाया प्रोजेक्ट है। हो सकता है इसको मैं ना सेल करूँ, वो अलग बात है कि कोई ऐसी ऑफर दे के मैं बोलूँ भाई आप ले जाओ, ठीक है, यानी कि ये अभी गाड़ी आपने रिसेंटली परचेज की है गाड़ी, और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है अपनी, इंजन वगैरह मतलब छोटा मोटा जो काम है वो मैंने करवाना है, और बाहर से पूरी गाड़ी को मैं अपने हिसाब में नया शावर कराऊंगा। सही, तो ये भी आप लोग देख लें भाई, तो ये गाड़ी इन्होंने अभी परचेज की है, अगर कोई भाई एज इट इज लेना चाहे तो वो भी ऑफर जो है वो दे सकते हैं, और अगर कोई चाहे कि भाई जब तैयार हो जाए गाड़ी जब खरीद लें तो जब भी जो है वो ले सकते हैं। खैर अभी ये गाड़ी मैं आप लोग को दिखाता हूँ जरा इंटीरियर वगैरह इसका, तो दोनों तरफ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो एक नज़र देखें, दरवाज़ों की सारी साइडें वगैरह आप लोग जो है वो देख लें, ठीक है जी। अब चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है भाई। सबसे पहले गाड़ी का आप लोग इंजन रूम भी एक नज़र जो है वो चेक करें, गाड़ी नॉट आउट इंजन रूम बिल्कुल साफ सुथरा आप लोग को नज़र आ रहा होगा, टिकली वगैरह यहाँ लगी हुई आप लोग को दिख रही होगी, साइडें आप लोग देख लें, कुप्पे नज़दीक से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, बैक की शील्ड आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये एक ओवरव्यू हो गया भाई गाड़ी का, और अब हम कर लेते हैं सर इसके पैसों के हवाले से बात, तो क्या हिसाब किताब है गाड़ी का? सर इसके पैसों के हवाले से अगर आप बात करें तो इसी कंडीशन के अंदर मैं गाड़ी दे दूंगा फाइनल, जो बिल्कुल आखिरी लास्ट प्राइस होगी हमारी 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए में आप दे देंगे फेरियो? फेरियो। अच्छा चलिए जी, तो भाई पहली गाड़ी आपने देखी, देन दूसरी गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरी गाड़ी जो कि घर में चल रही है उसके लिए भी ऑफर दे सकते हैं। खैर तो सर ये बिल्कुल फाइनल वाले रेट है कि उसमें भी 19-20 है? मौके पे बैठेंगे तो ये 10-20 का तो होगा, क्योंकि टैक्स वगैरह गाड़ी के ऊपर लाजमी बात है, बंदा बाद में भरना चाहे तो उस हिसाब से डील हो जाए। तो इसके बारे में बताएं सर क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? सर ये 2018 मॉडल है, सेकंड या थर्ड ओनर गाड़ी कंपनी के नाम पर है, ठीक है। फ्रंट के कितना है गाड़ी है? चली हुई 52,000 या 53,000 चली हुई है, ठीक है, इंजन वगैरह गाड़ी का ओके, बाकी आप अपने व्यूअर्स को भी दिखाई देंगे वीडियो में थोड़ी बहुत, बाकी बॉडी ओरिजिनल है, आगे फ्रंट से छोटी मोटी टचअप है गाड़ी, ठीक है, हल्की फुल्की फ्रंट से टचअप है, बाकी साइड है वाइड है गाड़ी की, साइड है वाइड है बची हुई है। तो चलें दोस्तों इस गाड़ी का भी एक पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दिखाता हूं। तो भाई शाम होती जा रही है, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी आप लोगों को गाड़ी जो है विजिट करा दूं, लेकिन जितना हो सकता है भाई कोशिश करके अच्छे से गाड़ी आप लोगों को दिखाता हूं, कि गाड़ी के अंदर जो है वो कोई कमी ना रहे आप लोगों को दिखाने में। तो गाड़ी का फ्रंट देखा आप लोगों ने, गाड़ी की बैक साइड पे जो है वो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से भी एक नज़र जो है वो गाड़ी आप लोग देखें। अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार उसकी बैक साइड नहीं दिखाई, तो भाई बैक से आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देख लो, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये भी आप देख लो, ठीक है जी। वापसी आ चुके हैं यहाँ पे, अब चलते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं भाई, बुलान वाले हमारे भाई जो भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला भाई ये बुलान वगैरह पर काम नहीं करते, लेकिन ये कि इन्होंने एक गाड़ी ली है, तो जो भाई हमारे इन्वेस्टर रेट पर भी गाड़ी लेना चाह रहे होंगे ना, तो वो भी ज़रा देख लीजिएगा, क्या पता उनको जो है वो अच्छे रेट में मिल जाए, क्या बोल रहा हूँ? सही बात है नहीं है सर? बिल्कुल सही बात। तो ये भी आप लोग देख लें भाई, तला भाई ने मुझे भी बोला है कि एहसन भाई अगर कोई इन्वेस्टर है आपके पास जो सेल परचेज का काम करता है बुलान का, तो देख लें आप भी।
मतलब ऐसी ऑफर दे एहसान भाई कि वो 30-40-50 का माल है, ठीक है 5-10 हम भी का माल है, ऐसी ना दे के वो माइंड बना के रखे कि 1.5-2 लाख रुपए कमाना है तो डील बनेगी नहीं, ठीक है, यानी कि मुनासिब रेट में कि दूसरा कुछ कमा लेगा थोड़ा बहुत। चलें, क्या पैसों में दे देंगे सर ये? सर ये फाइनल जो है ना, अगर डबल ट्रांसफर का खर्चा है इसके ऊपर, ठीक है, वो बंदा खुद करता है, तो फाइनल ये बिल्कुल 11.5-12 लाख रुपए में देंगे। 11.5-12 लाख रुपए में डॉट फाइनल 2018 की बोलान। और अगर वही डबल ट्रांसफर का खर्चा हम पे आता है तो वही पैसे आप ऐड कर लें, वो ऊपर चले जाएंगे 11.85-11.90 इस तरह। चलिए जी, तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है बढ़ते हैं सर, मशहूर है ज़माना गाड़ी, जिसको मैं, मेरा ख्याल है कि मोस्ट जो है वो रिलायबल गाड़ी भी है, बहुत सारे लोग अभी भी जो है ये रखते हैं, तो 86 के बारे में भी जो है वो बताएं सर, क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? सर ये गाड़ी अभी तकरीबन 80% समझे हमारी रेडी हो गई है, 20% अभी भी गाड़ी के अंदर छोटा मोटा काम रहता है। हर गाड़ी पे सर जैसे आप देख रहे हैं छोटा मोटा काम, कुछ ना कुछ जो मेरे हिसाब में मुझे नज़र आ रहा है वो हम करवाते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि छोटे मोटे जो काम है वो साथ साथ होते जा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से पहले जब मैं आता था तो कम गाड़ियाँ होती थी, अब लेकिन माशाल्लाह से भाई साधन के भाई हैं ये तला, जो लोग साधन को जानते हैं वो इनको भी जानते होंगे, तो माशाल्लाह से अब 6 गाड़ियाँ जो है वो लेके हाजिर हुए हैं। तो सर इस गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें वो भी हमें बताएं। सर इसकी फाइल सिविक सेंटर में, अब देखें अभी इसकी जो फाइल है गाड़ी की सिविक वो सेंटर सिविक सेंटर के अंदर है जी, तो इस वजह से कम रेट में भी मिलेगी सर ये? कम रेट में भी मिल सकती है अगर मैंने फाइल नहीं निकाली। अगर फाइल नहीं निकाली तो भाई देख ले, जो लोग हमारे बोलते हैं ना कि भाई हसन भाई फाइल जो है वो भले ही ना हो, फाइल मकसद वैसी वाली नहीं है, इसकी सिविक सेंटर में मौजूद है, पता कराया हुआ है, पता करवाया हुआ है, अगर कोई भाई ऐसे भी लेना चाहे खुद निकलवा सकता है तो वो भी ले सकता है, अगर कोई चाहे कि नहीं भाई आप ही करवा के दें तो ये खुद भी जो है वही गाड़ी आप लोगों को निकलवा देंगे। चले इंटीरियर भी गाड़ी का विजिट कर लेते हैं, सबसे पहले गाड़ी की डिग्गी चेक करते हैं अंदर से गाड़ी किस कंडीशन में है, ये आप लोग चेक कर लें गाड़ी की डिग्गी अंदर से मैं आप लोग को जो है वो विजिट करा रहा हूँ, पहले ऊपर की सारी साइड्स आप लोग जो है वो देख लें इसकी, ठीक है जी, नीचे वाली साइडों से भी देखें, कॉर्नर्स देख लें गाड़ी के, गाड़ी जो है वो यहाँ से भी कलर हुई भी आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होगी साइड है वाइड है, बाकी नीचे बात करें पूरा मैट वगैरह प्रॉपर लगा है, सारी साइड्स आप लोग एक नज़र जो है वो देख सकते हैं, यहाँ से भी आप चेक करें पूरा साफ सुथरा आप लोग को नज़र आ रहा होगा, मज़ीद नीचे चलते हैं यहाँ से भी आपको दिखा दें, तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी आप लोग देख लें एक नज़र, इसी तरीके से गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो आप लोगों को एक नज़र मैं विजिट करवा देता हूँ कि गाड़ी अंदर से कैसी है, तो ये आप देख लें गाड़ी की फुट पैरियाँ नीचे से, ठीक है जी, गाड़ी के दरवाज़ों की साइड है, ऊपर से गाड़ी के पिलर, और इसी तरीके से अंदर से सीट्स की अगर मैं बात करूँगी यहाँ से सीट्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट साइड पर चलते हैं, फ्रंट साइड का डोर आप लोगों को विजिट करवाते हैं, तो ये भी आप लोग जो है वो देखें नीचे से सारे पैनल्स वगैरह देख लें, ठीक है जी, नीचे की साइड है ऊपर से पिलर, बाकी फ्रंट साइड पे आ जाते हैं, एलसीडी पैनल वगैरह गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे गाड़ी है, डैशबोर्ड की अगर बात करूँ तो ये भी आप लोग एक नज़र जो है वो यहाँ से देखें, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू हो गया गाड़ी का इंटीरियर का, गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं इंजन रूम से गाड़ी किस कंडीशन में, गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोगों को एक नज़र जो है मैं विजिट करवा रहा हूँ, फ्रंट साइड वगैरह देख लें, ड्राई बैटरी इंस्टॉल है, गाड़ी के कुप्पे वगैरह जो है वो देखें, बैक की जो शील्ड है ये आप लोग जो है वो एक नज़र चेक कर लें, और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो कुप्पा है ये भी आप देख सकते हैं, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है इस गाड़ी का। चला भाई यानी के चलने वाले हैं बिल्कुल ओके, क्या पैसे हो जाएंगे सर जायज़ मुनासिब देने वाले? सर इसके बिल्कुल फाइल वगैरह अगर हम खुद निकलवाते हैं, ठीक है, तो 4.25 की दे देंगे हम, 4,25,000 रुपए में जी, जिसमें फाइल वगैरह सब हम निकालेंगे, स्मार्ट कार्ड वगैरह का खर्चा सब कुछ हमारा होगा, ठीक है, यानी नाम करवा के देंगे, नाम करवा के देंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सर आज की लास्ट गाड़ी के ऊपर, और ये भी भाई मॉडिफिकेशन में फिर आगे, मेरे ख्याल है आजकल आप ज्यादातर जो है वो मॉडिफिकेशन पे ज्यादा फोकस है, तो इसके बारे में बताएं सर कि आजकल ज्यादातर दोहरी मॉडिफाइड गाड़ियों का, ठीक है, यानी कि इस वजह से आप भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मॉडिफाइड गाड़ियां ही उठा रहे हैं, एक ये कि अपना भी शौक पूरा हो रहा है साथ में लोग भी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मॉडल है स्टारलेट का? सर ये 1984 है, ठीक है, रेयर व्हील गाड़ी है, 4K इंजन इसमें डला हुआ, इसका अपना ओरिजिनल इंजन ही है मगर चेंज हुआ हुआ है, ठीक है, अच्छा अपना इंजन है लेकिन चेंज हुआ हुआ है, 4K इसके अंदर वापसी डाला है, जी जी जी, ठीक है, और बाकी इसके पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें जो है वो क्लियर है, तो सर इसके क्या है पैसे? ये तो पैसों में मुनासिब हो जाएगी काफी। सर ये पैसों में मुनासिब ही है जिस तरह की गाड़ी है, ठीक है, आप फ्रेम में अंदर दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, अंदर से ओरिजिनल है, ठीक है, पूरी बाहर से भी गाड़ी कड़क पेंट में, मतलब पल वाइट हुआ हुआ है, इसका ओरिजिनल वाइट नहीं है इस पे, ठीक है, यानी कि ऊपर से पूरी गाड़ी आपने कलर करवाई है जिसके अंदर आपने पल वाइट पल वाइट, अगर आप फ्लैश ऑन करके व्यूअर्स को दिखाएंगे तो इसके ऊपर बकायदा तौर पे नजर आएंगे, ठीक है गाड़ी, बाकी इंजन विंजन से हर चीज से ओके, हर चीज से ओके, ले और चलाएं डीप डिश
BBS रिम इंस्टॉल है, ठीक है, टायर वगैरह हर चीज अच्छी है, इंटीरियर अपना पूरा ओरिजिनल है गाड़ी का। और गाड़ी के इंजन रूम की अगर बात करें हम, इंजन रूम भी सर आप दिखा दें अपने व्यूअर्स। तो दोस्तों रात थोड़ी सी हो गई है, ज्यादा शाम हो चुकी है तो थोड़ा अंधेरा भी है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेन मेन चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ, मेन सवाल आप लोगों के लिए कर लूँ, बाकी एक इंशाल्लाह ताला जब आप लोग कॉल करेंगे तो मजीद जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो गाड़ी के ऑनर हैं आप इनको जब कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा 4K इंजन है सर इसका जी, तो एवरेज वगैरह क्या देती है ये गाड़ी? सर ये एवरेज वगैरह इसका तो खैर कोई एवरेज वगैरह देखता नहीं है, पर 11-12 होगा, 11-12 के आसपास होगा। और ये नॉन एसी वाली गाड़ी है? नॉन एसी है, ब्लोअर वगैरह ऑन है, अगर कोई कराना चाहे इंस्टॉल तो वो करा सकता है। ठीक है, एसी यानी कि अलग से डल सकता है इसके? हाँ, डल सकता है, ब्लोअर वगैरह अंदर का सामान है। क्या पैसों में सर ये गाड़ी दे देंगे हमारे व्यूअर्स? सर ये फाइनल बिल्कुल लास्ट प्राइस जो इसकी दे देंगे ना आपके व्यूअर्स के लिए, बिल्कुल लास्ट ऑफर, लास्ट वाली ऑफर, लास्ट वाली ऑफर बिल्कुल बाटा 400 में दे देंगे, मतलब 4,00,000 रुपए में। ठीक है, 4,00,000 रुपए में भाई ये गाड़ी दे देंगे, तो जो शौकीन हजरात हैं भाई वो देख लें। बाकी मैं बात ये करूंगा कि भाई जो भी हमारे स्टारलेट वाले भाई हैं, रेट सबको पता है, जैसे पता है हर बंदा मार्केट जो है वो टच करता है, तो कॉल करें, बातचीत करें, ऑफर में जो है वो अपनी कोई सौदा बनाए। तो 4,00,000 से कुछ सर नीचे वीचे नहीं है कोई? सर नीचे नहीं हो सकता, अभी आपका इतवार बाजार भी आएंगे, ठीक है, आप तो संडे बाजार कवर करते हैं, तो 5,480 इतने में मांगूंगा इसके, 4,530 का मेरा मूड है चली जाए, पर आपके व्यूअर्स को इसलिए ऐसी ऑफर दी है कि आपके चैनल से लोगों को फायदा हो रहा है तो जायज रेट में जाए। ठीक है जी, तो दोस्तों आज की ये गाड़ियां मैंने आप लोगों को 6 गाड़ियां जो है वो विजिट करवाई, ये गाड़ी करवाई, एक ये रही, एक गाड़ी अभी वहाँ पर बोलान लगा दी है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, और एक गाड़ी जो है वो चली गई है। तो ये 6 गाड़ियां जो है वो आप लोगों को विजिट करवाई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो आप लोगों को दिखाई है इसमें जो गाड़ियाँ थी वो आप लोगों को पसंद आएंगी। बाकी जो इन्होंने ऑफर दिए, जाहिर सी बात है जैसे हमने 86 की बात करी, 86 की फाइल वाली इन्होंने ऑफर दिए, तो इस बजट की ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है कि ऐसा भाई कम रेंज की गाड़ियाँ दिखाएं, कम रेंज की गाड़ियाँ दिखाएं, तो देख लें भाई 4,00,000 के आसपास ये भी गाड़ी है, इसी तरीके से ये गाड़ी भी है, ये दोनों गाड़ियाँ आप लोगों को विजिट कराएंगे। बाकी बुलान वाले भाइयों की हमारी रिक्वेस्ट आती है कि ऐसा भाई बुलान ऐड करें, तो 2018 मॉडल की एक बुलान आप लोगों को विजिट करवा दी है। इसी तरीके से जो सिविक वाले हैं, बाकी मॉडिफिकेशन के जो लवर्स हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी भी तैयार करी हुई, इसकी भी ऑफर आप लोग दे सकते हैं। तो सर कोई ऑफर देना चाहेंगे एक्स्ट्रा हमारे व्यूवर्स को कि भाई अगर कोई आएगा तो इसको 6 में अगर कोई गाड़ी कोई भी एक पसंद करता है तो ये ऑफर हमारी तरफ से? सर देखें ऑफर आपके व्यूअर्स को यही है कि ठीक है इसके अंदर अभी मैंने रिम वगैरह जो है कराने पॉलिश वगैरह होंगे, ठीक है, वो आपके व्यूअर्स को मैं करवा के दे दूंगा, पॉलिश वगैरह, मतलब जो शौकीन नजरात है उनका होता है कि गाड़ी थोड़ी और ठीक है, थोड़ी डिटेलिंग करवा के डिटेलिंग वगैरह अच्छी करा के दे दूंगा। तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर दिएगा, नीचे जो है वो यहां पर नंबर लिखा हुआ होगा, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई से और मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।